तो दोस्तों ये है एक स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो आज हम उसे यूज करने का कंप्लीट सेटअप आपको दिखाऊंगा, बैटरी से लेके सोलर पैनल तक वायरिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहते हैं कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर पे मैक्सिमम कितना एम्पियर का बैटरी या फिर कितना वाट का सोलर पैनल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अभी आपको मिलने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे यूट्यूब चैनल जेपी टेक न्यूज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 10 एम्पियर से लेके 60 एम्पियर तक अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए 30 एम्पियर ही अनफ होगा। और अगर आप चाहे तो 10 एम्पियर ये 20 एम्पियर के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपका सोलर पैनल का कैपेसिटी के ऊपर। जैसे कि 10 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर पे आप मैक्सिमम 12 वोल्ट का 130 वाट सोलर पैनल आप लगा सकते हैं 12 वोल्ट का बैटरी के साथ। और अगर आप 20 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे तो इसमें मैक्सिमम आप 260 वाट तक सोलर पैनल आप लगा सकते हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। और अगर आपके पास एक 30 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो इसमें मैक्सिमम आप 390 वाट तक सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। और अभी आपको याद रखना है कि बैटरी के एम्पियर जितना है इसका ठीक 10% करंट जरूरत होती है इस बैटरी को कांस्टेंट चार्ज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक 40 एम्पियर का बैटरी है तो उसे चार्ज करने के लिए आपके पास कांस्टेंट 4 एम्पियर करंट जरूरत पड़ेगा। तो सिमिलरली 60 एम्पियर के बैटरी के लिए 6 एम्पियर करंट जरूरत है, 100 एम्पियर बैटरी के लिए 10 एम्पियर करंट जरूरत है। तो इसी कैलकुलेशन पर बेस करके आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर, बैटरी एंड सोलर पैनल आपको परचेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी एंड लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, ये तीनों बैटरी के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड में दिया गया है बैटरी इंडिकेटर जो कि वीडियो का आगे जाके मैं सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी के लिए B02, लेड एसिड बैटरी के लिए B01 एंड लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के लिए B03। और यहाँ पर दिया गया है ये तीनों बटन जिसके माध्यम से आप यहाँ पर बैटरी सिलेक्शन या चूज करेंगे। और बैटरी का बोर्ड मैन्युअली आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि फुल चार्ज वोल्टेज एंड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो अभी मैं उसे कनेक्ट करूंगा एक बैटरी के साथ और लाइव आपको उसे सेटअप वगैरह करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके साथ आपको सबसे पहले बैटरी ही कनेक्ट करना है, अदरवाइज सोलर पैनल का हाई वोल्टेज से ये डैमेज भी हो सकता है। और ये मिडिल वाला दो स्क्रू में आप कनेक्ट करेंगे बैटरी, और बैटरी का सिंबल भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्ट करते ही ये डिस्प्ले भी चालू हो गया और बैटरी का करंट वोल्ट है 13 वोल्ट। और अभी यहाँ पर आपको बैटरी टाइप सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए पहला वाला बटन में आपको 5 टाइम्स प्रेस करना होगा, देन प्रेस एंड होल्ड करना होगा। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह से बैटरी टाइप, जैसे कि आप देख सकते हैं B01। और इस प्लस एंड माइनस बटन में प्रेस करके बैटरी टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास है एक लेड एसिड बैटरी तो हमें अभी रखना है B01। और यहाँ पर दिया गया है 3 एम्पियर का 2 USB पोर्ट, और इसके माध्यम से अगर आप चाहे तो आप अपना मोबाइल भी इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं उसे कनेक्ट करूंगा सोलर पैनल के साथ। और फिलहाल मेरे पास 2 सोलर पैनल है, लुमिनस का 165 करके, टोटल 330 वाट का मेरे पास सोलर पैनल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन वगैरह कर लिया, सोलर पैनल भी ऐड किया है, बैटरी भी ऐड किया है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से अभी आपको बैटरी वोल्टेज सिलेक्शन करना है, दैट मींस फुल चार्ज वोल्टेज एंड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज दोनों किस तरह से आपको सेटअप करना है। और इससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर जो वायर यूज किया है ये है एसी वायर, और एसी वायर आपको यूज नहीं करना है। एसी वायर यूज करने से एम्पियर लॉस हो जाता है। अगर आपके पास 100 वाट का भी सोलर पैनल रहता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1.5 या 2 एम्पियर ही आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग माइक्रोटेक का 6 mm का DC वायर है जो मैंने कनेक्ट करके रखा है मेरा स्मार्ट एंड प्राइम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ ताकि मेरा एम्पियर लॉस ना हो। और मैंने यहाँ पर देखा है मेरा 100 वाट सोलर पैनल से मैक्सिमम 8 या 8.5 एम्पियर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, अदरवाइज आपका महंगा सोलर पैनल का कुछ मायना ही नहीं रहेगा। तो अभी इस मेनू बटन पर आपको प्रेस करना है, तो ये है बैटरी फुल चार्ज बोल्ट 12.6। और अभी नेक्स्ट टाइम प्रेस करते हुए आपको दिख जाएगा बैटरी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, दैट मीन 10.7। और इसका मीनिंग ये है कि बैटरी का बोर्ड जैसे ही 10.7 पर आएगा तो ये DC आउटपुट को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। और अभी जिस ऑप्शन को आपको चेंज करना है तो इसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी फुल चार्ज बोल्ट 12.6, तो उसे हमें अभी चेंज करना है। और इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करते ही ये यहाँ पर इस तरह से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। और अभी ये दोनों बटन के माध्यम से, दैट मीन प्लस एंड माइनस, ये दो बटन के माध्यम से बोल्ट को आप आगे पीछे करके आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी बैटरी फुल चार्ज बोल्ट 13 वोल्ट पर ही हमें सेट करना है। तो आप अगर चाहे तो उसे 13.7 वोल्ट पर भी आप सेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली बैटरी के डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बोल्ट भी यहां पर आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 10.7, दैट मींस 10.7 वोल्ट पर ये ऑटोमेटिक डीसी आउटपुट को बंद कर देगा। तो यहां पर उसे आगे पीछे करके आप उसे घटा भी सकते हैं, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें उसे अभी 11 वोल्ट पर सेट करना है। तो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसे यहां पर इस तरह से सेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें प्रेस करके डीसी आउटपुट
आउटपुट का टाइम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आवर्स, तो उसे आप कमा के 12 के यहाँ पर आप आपका हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और सबका लास्ट वाला बटन में प्रेस करते ही डिस्प्ले में आपको एक बल्ब दिखाई देगा, और इसका मीनिंग ये है कि डीसी आउटपुट अभी ऑन है। तो इस तरह से आप डीसी आउटपुट को मैन्युअली ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक ऑनेस्ट सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट है, दैट मीन्स इसका प्राइस लगभग 1000 है, तो अगर आपका बजट 3000 या 3500 के आसपास है, तो सबसे बेहतर डिसीजन होगा कि आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर पर आप जा सकते हैं। तो यही होगा आपके लिए सबसे बेहतर डिसीजन। तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है जाके ये वाला वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो का एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आइए मिलते हैं आपसे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।